हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स है वहाँ पर करंटली मार्केट में जो है किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जो है कि सरप्राइज मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है आज के सेशन के लिए, माने कि 21 नवंबर के लिए। तो उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम यहाँ पर प्रीवियस सेशन को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं आवरली बेसिस के हिसाब से, जो कि हमने जो है पहले से जो है वीकली ओवरव्यू एनालिसिस पहले से कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीकली ओवरव्यू एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे वीक में ट्रेडिंग करने के लिए। बट इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले आज के सेशन के लिए इंट्राडे लेवल के लिए सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे फॉर गोइंग लॉन्ग एज वेल एज फॉर गोइंग शॉर्ट इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। सो यहाँ पर जो सबसे अच्छे और जो सबसे कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा लॉन्ग पोजिशन के लिए लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर रहेगा 535 के ऊपर। अगर यहाँ पर कैंडल्स चली जाती है देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ गुड लॉन्ग पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। एंड शॉर्ट पोजीशन के लिए हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं 468 के प्राइस लेवल के ब्रेकआउट का। आफ्टर दैट वी कैन हैव अ शॉर्ट पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। और जो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो रिस्क है ले सकता है उनके लिए यहाँ पर जो सबसे अच्छे लेवल रहेंगे फॉर गोइंग शॉर्ट वो रहेगा यहाँ पर 497 या फिर 496 का। बिलो दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर कैंडल जाती है जो रिस्क ले सकता है उनके लिए, तो यहाँ पर 496 के नीचे जो है शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द रिस्क टेकर। और लॉन्ग पोजीशन के लिए सेम ही लेवल रहेगा 535 का। अबाउट दैट वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन नेचुरल गैस फ्यूचर्स। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।